मैनपुरी के बिछवा थाना में निजी स्पेलर तेल के कारखाने में आग लग गई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने आनन फानन में आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें, आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि आग कैसे लगी इसका कारण अभी पता नहीं चल सका है। अंदर जाए गेट बंद कर थे दोनों, हम अंदर बैठे थे जी, और गेट ये तो खुला ही, ये तो बिल्कुल बंद नहीं था, जो तारो लगा तो हमने के लिए आप 10-5 मिनट आराम करना घर है यहाँ, तो ये कहा अचानक का ये धुआं उठो, धुआं होने के बाद फिर एकदम ऐसी गैस बनी जो कि एकदम पूरा बाहर ही उठो चलो एकदम। अच्छा, हम लोग हम आगे भागे ना, आगे भागे तो हमें जम जरिया, क्योंकि जब गैस बनी फिर खुलना रहो तो आप अकेले थे, एकदम लेकर भागे आप अकेले थे? अकेले थे। अच्छा, अचानक ही आग लग गई। जानकारी इतनी है कि साहब जब बाहर के गेट जो बंद थे और भीतर जो अपने कुछ काम वाम ही कर रहे थे, इंजन खुलो पड़ो तो अब ये हमें नहीं मालूम कि आज किस तरह लगी। जब हमें धुआं ऊपर निकल तो मालूम पड़ो, तो हमारे लड़का अपन छत पे चढ़ाओ तो ऊपर देगी जब कहीं के धुआं निकल तो कहीं के विवाह में कुछ काम कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर ज्यादा लुक काले करो, जब ज्यादा लुक काले करो तब एकदम भाजे बाल्टी ले गए, तब वहाँ चले तब देगी काम तो आज बहुत दूर की लगी, तो जब जिके बाग में से निकले अपने घर में से और हमें आए थे जगह जब आँच लग गई। अच्छा, तब हम सब लोग फिर एकदम बाल्टी आल्टी लाए और जो नल से पानी बुझाने लगे, उसके बाद जो है काम ना मालूम पड़ी हो, फिर वहाँ पर दीवार पर पानी जाने लगे कि भाई मैंने लगे, फिर जो है 20 मिनट बाद तब तक मसीन आया।